नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। देवीपाटन मंडल के अंतर्गत जनपद गोंडा में थाना वजीरगंज के अंतर्गत ग्राम करौंदा तहसील तरबगंज के निवासी कमल कोरी पुत्र मिठाईलाल की भूमि पर कच्ची नाली बनाने का विवाद 13 जनवरी को भी नहीं थमा। दरअसल ग्राम करौंदा तहसील तरबगंज के निवासी कमल कोरी पुत्र मिठाईलाल की भूमि पर विपक्षी अवैध रूप से जबरन और गुंडई के बल पर कच्ची नाली खोद रहे थे। पीड़ित के मना करने पर विपक्षी मारने पीटने और फौजदारी पर आमदा हो गए। इसकी शिकायत स्थानीय थाना वजीरगंज में दिनांक 12 जनवरी को की गई थी, जिसमें क्षेत्रीय एसआई भोला सिंह और थाना इंचार्ज ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित की प्रार्थना पर सुलह करवा दी थी। लेकिन जब प्रार्थी कमल कोरी अपने घर जाता है, तब उसके घर में घुसकर धारदार हथियार लेकर जान से मार डालने की नीयत से विपक्षी रामकुमार पुत्र सुंदरलाल, रामसागर पुत्र सुंदरलाल, सुंदरलाल पुत्र भोला और मंगल पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम करौंदा ने कमल और उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया और कमल को जान से मार डालने की नीयत से धारदार कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार किया। इस हमले में कमल को मामूली चोटें आई हैं और वहीं उनकी पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ी। मर्डर केस का मैटर है, कल तक थाने से लेकर आए हैं। हाँ, कौन सा थाने का मामला है? थाने का मामला है। फिर कैसे विवाद हुआ आपका? जमीन का विवाद था, तो उनको लाया गया तो मसला नामा लगवा के धार। कहाँ पे, किसने समझाया था? वहाँ कल एसओ ने समझाया, थाना इंचार्ज ने। हाँ, थाना इंचार्ज ने समझाया मेरे को। किस तारीख, कब, किस डेट को? कल 12 तारीख को। फिर क्या हुआ आपके साथ? तो उन्होंने समझौता तो सुलहनामा लगवा देने के बाद बावजूद कहा था, उन्होंने कहा था ही सुलहनामा लगवा देने के पश्चात घर पे जब पहुँचे उन्होंने हमारे जवानी पे आक्रमण कर दिया, हमला। किसने किया आक्रमण? राम कुमार और रामसागर ने। राम कुमार रामसागर ने। आपके गाँव के रहने वाले हैं? करौंदा के। किससे आक्रमण किए? कहा था गन्ना काटने वाले, कहा था कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से। फिर क्या हुआ थाने पे आप गए थे? जब थाने पे गए तो कहा था थाने पे, वहाँ उन्होंने कहा था, बोला कि ले जाओ कहा था अस्पताल। अस्पताल ले गए तो वहाँ अस्पताल में उन्होंने कहा था रेफर करके गोंडा जिला में भेज दिया। तो किससे वार किए? गड़ासा से। तो ज़्यादा चोटें आ गई? हाँ, आधा खंड हो गया सर का। सस्ता जी चोटें आई हैं, कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? सर पे है और बाहर बाजू पे है, बात है और पंजे पे है, बीच की उंगली में चोट आ गई। और कहाँ आई है? और पीठ पे है। पीठ पे। फिर क्या हुआ आपको? तो जिला अस्पताल कब लाए? हमले के बाद प्रार्थी कमल ने यूपी 112 को फोन मिलाने का प्रयास किया, लेकिन मोबाइल विपक्षियों द्वारा छीन लिया गया। कमल अपनी पत्नी को 108 की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरगंज ले आया। हालत नाजुक हो जाने के कारण डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल गोंडा रेफर कर दिया। प्रार्थी कमल की पत्नी के इलाज के दौरान 13 जनवरी को दिन के लगभग 4 बजे के समय मौजूदा स्टाफ नर्स ने सैंपल निकालने के कारण और मरीज के साथ अभद्र व्यवहार करने के संबंध में झगड़ा कर लिया और इंजेक्शन लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही यूपी 112 की धमकी देते हुए यूपी 112 को बुला लिया। अभी सिस्टर से यही हुआ, बात कहानी उन्होंने कहा था मीडिया के ऊपर कीचड़ उछालने लगी। नहीं, किस बात को लेकर? सैंपल निकालने के। सैंपल निकालने के लिए? फिर क्या किया सिस्टर ने? सैंपल निकालने के लिए विरोध कर लिया। झगड़ा कर लिया, उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने बाहर जाके फिर दरवाजा बंद कर दिया, बोला मैं 100 नंबर पुलिस बुलाती हूँ। अच्छा, सिस्टर ने। 6 बजे रहा, टाइम क्या हो रहा है? 4 बजे। 4 बजे रहा है। सिस्टर ड्यूटी पे थी उस समय? जी। नाम मालूम है? नाम नहीं मालूम। क्या दिक्कत थी भाई? क्या दिक्कत, क्या कैसे प्रकरण था, क्या हुआ? क्या नाम है आपका? हमारा केशवराम यादव। केशवराम जी, कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, कैसे आए थे आप? हमारा मरीज है, देखने आए थे। देखने आए थे, फिर कैसे झगड़ा हुआ था, किस बात को लेकर? सिस्टर से सैंपल निकालने के लिए। सैंपल निकाले, सिस्टर क्या कहा? सिस्टर ने कहा मैं नहीं निकालूंगा। अच्छा, झगड़ा कर लिया? हाँ, झगड़ा कर लिया। उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया? बोलना शुरू। फिर क्या किए? जब मीडिया ने गया, क्या क्या भाई, मीडिया वाले गए, कहा क्या क्या भाई, सैंपल नहीं निकालोगे? हाँ, वह नहीं निकालेंगे। भगा दिए? भगा दिए। फिर क्या हुआ? बहन की आदमी पहचानिए। हाँ। तो गए इसके झूठे फोंको लेके पहुँच जाते हैं, अभी तुमको बताते हैं। तो दरवाजा बंद कर दिया? दरवाजा बंद कर दिए। उसके बाद 100 नंबर बुलाए? हाँ, कहीं 100 नंबर बुलाया, कहीं के किसी ने भागना मत। अच्छा अच्छा हाँ, और 100 नंबर ने आया सबको पकड़ा, सबको पकड़ा,
पकड़ के दादा। लेकिन ये इतना देखा कि वो नर्स थी जो काली तरीके की सिस्टर, हाँ सिस्टर आज ड्यूटी पे हैं 13 तारीख को, वो फटा करके दरवाजा बंद कर दिया कहीं बाहर नहीं जाना, फिर तेज आवाज में पहुंची, हाँ बहुत कड़क की आवाज। काम आप लोग का सुनती है नहीं सुनती है? काम साहब इससे हमारा होता नहीं है, रात बिरात जब दूसरा है वो करते रहते हैं, और जो जिम्मेदारी दिल पाली में था वो लगा के गई, थोड़ा इसका नेचर थोड़ा कड़क है, लेकिन इसको दरवाजा बंद करके बोली मैं 100 नंबर को बुलाती हूँ और फिर जाना नहीं किसी को, सबको एक मरीज को अंदर दरवाजा बंद कर दिए, हाँ अभी किसी को पेशाब लगा है साहब, किसी को कहीं जाना है बंद कर दे, तब तक 100 नंबर पुलिस आई, सेवो साहब भी आए, हाँ सेवो साहब भी आए। भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रजापति जी, क्या किस बात को लेकर विवाद हुआ था? विवाद तो वही बात को लेकर हुआ, क्या बोलते है वो इतना तेज बोलती की होकर बातें उन्होंने समझ में, ड्यूटी पे है, किस बात को लेकर कोई जानकारी है आपको? अभी यहाँ जानकारी है, आप घूमे उधर ना रहे बहरे रहे सिंपल के लेकर, फिर क्या किया दरवाजा बंद कर दी, तेज आवाज में बातें करती है, 100 रुपए मंगाते हैं, क्या बोल रहे हैं आज ड्यूटी पे नहीं हो? 13 तारीख समय क्या बजे? 4 बजे लगभग, 4:30 पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ अस्पताल में वर्दी और नौकरी का गुरूर दिखाकर अहंकार दिखाया गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। जिला अस्पताल गोंडा में नर्स डॉक्टर स्टाफ नर्स ने दिखाया उत्तेजना, मरीजों साथ किया लापरवाही और दरवाजा बंद करके 100 नंबर की दिए धमकी, इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मरीज सब परेशान है। प्राइम 24 मंडल ब्यूरो से प्रदीप कुमार, रिपोर्ट गोंडा।